आगरा कल्चरल एसोसिएशन ने रविवार को ग्रांड होटल में एक शाम शहीदों के नाम स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रस्तुतियां दी। आगरा कल्चरल एसोसिएशन ने रविवार को ग्रांड होटल में एक शाम शहीदों के नाम स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी। आगरा कल्चरल एसोसिएशन के एक शाम शहीदों के नाम स्वरांजलि कार्यक्रम में शहर आदान्त फॉर ऑटिज्म सेंटर के स्पेशल बच्चों की देशभक्ति के गीतों पर ग्रुप डांस प्रस्तुति को सभी लोगों ने खूब पसंद किया। आगरा कल्चरल एसोसिएशन के संयोजक ने बताया कि गत 6 सालों से एसोसिएशन इस कार्यक्रम को देश के अमर शहीद सपूतों की स्मृति में आयोजित करती आ रही है। ये संस्था विगत 6 वर्षों से लगातार इस कार्य को करती आ रही है और संस्था की कोशिश रहती है कि जो हमारे आगरा के आसपास के क्षेत्र के लोग शहीद हुए हैं उनका संस्था सम्मान करे, उनके घर वालों को बल दे। संस्था हर बार करती आ रही है काम को, करीब 6 साल हो गए और इसमें हम लोग करीब 5 लोगों का हर बार सम्मान करते हैं, लेकिन इस बार 2 ही लोगों का हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास सूची नहीं आ पाई थी। संस्था इस बात से काफ़ी दुखी है कि हम 5 लोगों करते थे, इस बार 2 का ही रह गया है और आगरा के कई लोगों का इसमें सहयोग हमको मिल जाता है इस कार्यक्रम के लिए, विशेष तौर से एक शाम शहीदों के नाम से। देखिए, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले इन पावन शहीदों के नाम आज आगरा कल्चर एसोसिएशन ने यहाँ पर एक शाम संगीतमयी शाम उनके लिए रखी, उनको सम्मान किया, उनके परिवारजनों को। निश्चित तौर से बहुत सुंदर और बहुत पावन प्रयास है आगरा कल्चर एसोसिएशन का और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा अध्ययन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म आज इसमें सहभागिता हमारे बच्चों ने अपने कार्यक्रमों से विशेष रूप से करी। कार्यक्रम में संस्था ने होटल ग्रांड के ओनर और साहित्यकार अरुण डंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।